विसंगतिपूर्ण जीएसटी की वजह से व्यापार के बर्बाद होने के संबंध में समाजवादी व्यापार सभा के कार्यकर्ताओं ने जीएसटी के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा। समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष समीर शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और जीएसटी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन प्रधानमंत्री को भेजा। प्रधानमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में यह मांग की गई कि जीएसटी प्रणाली को लागू हुए 4 वर्ष हो चुके हैं, वन नेशन वन टैक्स सरल टैक्स प्रणाली के नाम पर रात को 12 बजे जोर शोर से लागू की गई जीएसटी आज देश के लिए एक अभिशाप साबित हुई है। ठीक 4 वर्ष पहले 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी व्यवस्था लागू की गई थी तब व्यापारियों को प्रधानमंत्री ने दिलासा दिया था कि सरल टैक्स प्रणाली से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, परंतु व्यापारी 5 स्लैब वाली जटिल जीएसटी से बहुत परेशान एवं तनाव में है। जीएसटी काउंसलिंग द्वारा अभी तक 950 से ज्यादा संशोधन किए जा चुके हैं। इस बात का यह द्योतक है कि सरकार ने जीएसटी जल्दबाजी में बिना सोचे समझे लागू की। ज्ञापन के माध्यम से व्यापारियों ने यह मांग की है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाया जाए, जीएसटी के 3 स्लैब बनाए जाएं। उत्तर प्रदेश में अभी तक लगभग 4000 करोड़ से ज्यादा जीएसटी रिफंड विभाग में फंसा हुआ है। पूंजी रिफंड में फंसी होने के कारण व्यापारी पर बैंक का कर्ज बढ़ता जा रहा है, अतः इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड का समय निश्चित किया जाए और रिफंड वापस किया जाए। जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी को कोरोना महामारी में कवर करते हुए 10 लाख का बीमा लाभ दिया जाए आदि इन जैसी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है। मेरा हाजी इफ्तिकार अली मेरा नाम है, मैं व्यापार सभा में प्रदेश सचिव पर हूँ, कार्य कर रहा हूँ। आज समाजवादी व्यापार सभा की तरफ से जो जीएसटी है उसका विरोध प्रदर्शन किया है और ज्ञापन दिया गया है। जो जीएसटी की नियम कानून है उससे जनता बहुत परेशान है, व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है, बार बार उनकी आरसी कट जाती हैं, कोई सिस्टम से काम नहीं हो रहा है, जीएसटी टाइम पे वापस नहीं हो रही है। जीएसटी के 3 स्लैब बनाए जाएं, पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाया जाए। उत्तर प्रदेश में अभी तक लगभग 400 करोड़ से ज़्यादा जीएसटी रिफंड विभाग में फंसा हुआ है। पूंजी रिफंड में फंसी होने के कारण व्यापारी पर बैंक का कर्ज बढ़ता जा रहा है, अतः इनपुट टैक्स क्रेडिट समय निश्चित किया जाए और रिफंड वापस किया जाए। जीएसटी के रिटर्न पर आयकर अन्य विभागों के रिटर्न दाखिल करने की समस्या सीमा बढ़ाई जाए, 30 जून 2021 तक प्रभावी की गई। सभी लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में व्यापारी अपना तय समय में रिटर्न तैयार करने में असमर्थ है, अतः उपरोक्त रिटर्न की तिथियां 30 सितंबर 2021 की जाए। 5वां जीएसटी के रिटर्न पर आयकर अन्य विभागों के रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाकर 30 जून 2021 तक प्रभावी की गई है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में व्यापार उत्पन्न समय में रिटर्न तैयार करने में असमर्थ है, अतः उपरोक्त रिटर्न की तिथियां 30 सितंबर 2021 की जाए। 6वां जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी को कोरोना महामारी में कवर करते हुए 10 लाख रुपए का बीमे का लक्ष्य लाभ दिया जाए। 7वां प्रधानमंत्री जी को जिलाधिकारी के द्वारा।